हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना फैशन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले बहुत ही अमेजिंग किचन टूल जो कि आपके घर में एक होना ही चाहिए। तो ये रहा, ये मैंने मिशो से ऑर्डर किया था, एक एक पॉचर या एक स्टीमर भी बोल सकते हो। ये बहुत ही अच्छी काम आने वाली है आपके लिए। आप अगर बैचलर हो, कहीं पे मेस पे रह रहे हो, कहीं पे हॉस्टल पे रह रहे हो, तो ये तो आपके पास होना ही चाहिए। तो इसका आज रिव्यू देने वाली हूँ और डेमो भी आपको दिखाऊंगी, ये सही में काम कर रहा है, क्वालिटी कैसा है, आपको लेना है या नहीं लेना है। तो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नीचे वाला बेल आइकन क्लिक करके ऑन कीजिए। जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ आपको जल्दी से नोटिफाई, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। तो ये रहा पैकेजिंग, कुछ इस तरह से रिसीव हुआ है। इसका इमेज प्राइस स्क्रीन के ऊपर डाल देंगे और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वैसे जाकर बाय कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। तो ये राम, ये इसका तीन ही कलर अवेलेबल है, जो व्हाइट कलर, पिंक कलर और येलो कलर। मुझे रिसीव हुआ है येलो कलर में। तो ये रहा पैकेजिंग, इसमें एक पॉचर लिखा हुआ है और पूरे डिटेल्स इसमें साइड में आपको मिल जाएगा। ये सिर्फ एक स्टीम नहीं कर सकते हो, इसमें एक पॉच भी बना सकते हो, आमलेट बना सकते हो और एक खाना भी गर्म कर सकते हो, और कुछ वेजिटेबल हो, मोमोस हो, इसमें स्टीम कर सकते हो। ये बहुत सारे काम में आने वाले, सिर्फ एक बना नहीं सकते हो, इसमें और भी ज्यादा यूज कर सकते हो। इसको आमलेट बना सकते हो, इसमें कुछ फ्राई करना चाहते हो तो ब्रेड हो, ये हो, वो भी हो जाएगा, और इसमें स्टीम भी कर सकते हो, खाना गर्म भी कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये रहा छोटा सा है पैकेजिंग, इसका टू जो रहता है टू ट्रे वाला मिलता है, और एक मैंने जो लिया है एक ट्रे वाला लिया है। 7 एग इसमें स्टीम हो सकता है आराम से, छोटे फैमिली के लिए ये बेस्ट है। अगर आपकी फैमिली ज्यादा है और ज्यादा एग खाते हैं तो इसके लिए जो आप टू ट्रे वाला ले सकते हो, जिसमें 14 एग आप आराम से हो जाएगा। तो ये रहा पैकेजिंग, इसमें पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगा, कैसे करना है, क्या करना है। इसमें आपको मिलेगा एक एक जो एक ट्रे मिलेगा, एक बाउल मिलेगा और मेजरमेंट कप मिलेगा। लेकिन मेरा जो है एक कस्टर्ड बाउल है, वो नहीं मिला है, प्लास्टिक का है, ये वाला नहीं है। इसमें सिर्फ मुझे मेजरमेंट कप मिला है और ये पूरी आपको एक ट्रे फ्रेश सब मिल जाएगा। और ये रहा, इसमें साइड में आपको पूरी डिटेल्स दिया गया है, बहुत ही इजी है, इसमें कोई भी डिप्लोर को आराम से आप बना सकते हो। तो ये रहा, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसमें मुझे आपको दिखा देती हूँ प्रोडक्ट कैसा है, क्वालिटी कैसा है। तो आपको मैनुअल भी इसमें मिल जाएगा, इस तरह से पूरी डिटेल्स इसमें मिल जाएगा। तो ये रहा पैकेजिंग, सिर्फ इस तरह से मुझे रिसीव हुआ है, और ये बहुत ही छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें 7 एग आराम से बन सकता है और एक आमलेट भी बन सकता है। तो ये इसका लीड मुझे मिला है, ट्रांसपेरेंट है, और इसमें दो होल भी बना हुआ है, स्टीम निकलेगा और एक जो है क्रैक नहीं होगा इसके लिए। और ये जो आपको हार्ड वाला नहीं है, इसका जो प्लास्टिक हार्ड प्लास्टिक नहीं है, ये आपको जो रहता है ना सॉफ्ट वाला जो प्लास्टिक, वो ही है, अच्छा क्वालिटी है, कुछ खराब नहीं है और ट्रांसपेरेंट है। आप आराम से देख सकते हो अंदर में एक हुआ है नहीं, आराम से आपको दिख जाएगा, ट्रांसपेरेंट मिला है और ये येलो कलर में मुझे मिला है। तो एक मेजरमेंट कप छोटा सा, इसमें आप इसमें कप पानी डाल के इसमें स्टीम करने के लिए एक मेजरमेंट कप आपको मिल रहा है, और ये प्लास्टिक का आपको ट्रांसपेरेंट मिल रहा है, ये भी क्वालिटी अच्छा है। और ये रहा व्हाइट कलर का ट्रे, इसमें आप आराम से 7 एग इसमें आएगा, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और ये हार्ड प्लास्टिक आपको मिल रहा है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ज्यादा पतला नहीं है, मोटा आपको ये प्लास्टिक, और इस तरह से पकड़ने के लिए हैंडल दिया गया है, और इसमें 7 एग आराम से डाल सकते हो। ये तो बहुत ही अच्छी है, कुछ खराब नहीं है, लेकिन ये छोटा सा आपको मिल रहा है, आराम से 7 एग इसमें। और ये रहा इसका बेस, तो इसमें आपको ऑन ऑफ बटन मिल रहा है सिर्फ एक, और ये वायर, छोटा सा वायर आपको मिल रहा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, टूल के ऊपर रख के आराम से करते हो, अगर आपकी जो बोर्ड है पास में होगा तो ये आ जाएगा, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल सा आपको वायर दिया गया है। तो ये आपकी बेस कुछ इस तरह से येलो कलर में, ये बटन, और इसमें आपको ये पैन जो मिलेगा ये स्टील का आपको मिल रहा है, इसमें आप एक आमलेट बना सकते हो, एक पॉच बना सकते हो, और कुछ ब्रेड भी आप इसमें फ्राई कर सकते हो। इसमें फ्राई करने के लिए भी ये दिया गया है, लेकिन छोटा सा है, इतने मेरी हाथ जितना बड़ा है इतना ही है, छोटा सा आपको ये मिल रहा है, एक बेड आराम से इसमें आप फ्राई कर सकते हो। तो ये इसका क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, और ये भी
क्वालिटी अच्छा है, प्लास्टिक का बना हुआ है और इसका वाट ये है जो है आपको 350 वाट का ये मिल रहा है और इसमें 7 एग आराम से एक स्टीमर से पीछे में इस तरह से आपको मिलेगा। ये वैसे इसको थोड़ा सा साफ करके अगर धोना चाहते हो ना कॉटन लेके इसको साफ कीजिए, पानी के हाथ में इसको पकड़ने नहीं, इसमें पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगा क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आप गैस के पास नहीं रख सकते हो, सनलाइट के पास नहीं रख सकते हो और इसको पानी जो आपको गीला हाथ में इसको पकड़े हुए ना आपको ये पकड़ नहीं सकते हो। और इसको धोना भी बहुत ही थोड़ा सा आपको कॉटन में लेके इस तरह से आपको आपकी जो बर्तन वो साबुन हो या कुछ हो कॉटन कपड़ों करके गीला करके इसके ऊपर आपको सिर्फ साफ करना है, इसको धोना नहीं है। इसके अंदर पानी जाएगा तो ये खराब हो सकता है क्योंकि ये बेस जो है पूरा फिक्स है, इसको निकाल के आप कर नहीं सकते हो। तो ये रहा और इसका वायर भी आपको दिखा देती हूँ, छोटा सा है लेकिन इसका जो एक ये ना वो अच्छा क्वालिटी का मुझे रिसीव हुआ है, कुछ खराब नहीं है डैमेज नहीं है। तो ये छोटा सा वायर दिया गया है टूल के ऊपर या आपके जो अगर प्लग पास में है तो इसको डाल के आप कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी है बैचलर के लिए, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, वो आराम से कर सकते हैं। ये कुछ भी आपको ट्रिक नहीं लगाना है, ये अगर आपके एग हो गया है तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, जो कि आपको पता चलेगा आपके एग हो गया है और पानी भी खत्म हो जाएगा। इसमें पानी डाल के मैं आपको पूरी डेमो दिखाऊंगी, वहां से आप चेक कर सकते हो आराम से, इजीली आप इसको कर सकते हो। इसमें और भी कुछ कर सकते हो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो चलो डेमो पहले देख लेते हैं।
माय गॉड, ये बहुत ही अच्छी काम करी है। मेरा 15 मिनट में मेरा एग स्टीम होके हो गया और परफेक्ट बना, कच्चा नहीं था और जो ओवर कुक होता है वो भी नहीं हुआ, क्रैक भी नहीं हुआ, मेरा अच्छे से एग हो गया और इसके छिलका भी अच्छे से निकल रहा है और आपको प्रोटीन भी मिल रहा है। क्योंकि जब भी हम वाटर में डालते हैं, जो बॉइल करते हैं, गैस पे चढ़ाते हैं, तो कढ़ाई पे हो या कोई भी हो, बाद में अगर गर्म करते हैं ना, वो ओवर कुक हो जाता है, कभी कभी क्रैक भी होता है और इसके अंदर भी पानी जाता है, अच्छे से प्रोटीन नहीं मिलता है। इसमें आपको सिर्फ स्टीम करके देगा, वाटर तो आपके नीचे रहेगा और उसके सिर्फ एग आपकी स्टीम होगा, स्टीम से बनेगा। इसके लिए ये तो बहुत ही अच्छे, प्रोटीन भी आपको मिल रहा है और जल्दी से फटाक से बना के दे दिया 15 मिनट में। मम्मियों के लिए ये बहुत ही अच्छे ऑप्शन है, मैं कहूंगी आपके पास ये होना ही चाहिए। क्योंकि जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको टिफिन बनाने के लिए बहुत ही फटाफट बना सकते हो, आमलेट हो, ब्रेड हो, इसको एग स्टीम करने से, क्योंकि बच्चे रहते तो एग खाते रहते हैं, स्टीम करना पड़ता है। इसके लिए ये बहुत ही अच्छे ऑप्शन है मम्मियों के लिए। ये मैंने इसको रेटिंग देना है 10/10, कहीं पे कुछ भी नहीं है, छोटा सा है, क्यूट सा है, लेकिन काम भी इसका बहुत ही अच्छी है। मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगी, मैं कहूंगी जो बैचलर है इनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि एक फटाक से आपको बना के देगी, आमलेट हो जो भी हो, इजीली इसको करना बहुत ही इजी है। लेकिन साफ करना थोड़ा सा ध्यान से, इसको सिर्फ ये तो नॉर्मल वॉश कर सकते हो, इजीली इसको अलग से वॉश करना है, इसको कटन में आपको पोंछना है, ज्यादा इसमें पानी जाए तो ये खराब हो सकता है। बच्चों से थोड़ा सा ध्यान में, क्योंकि बच्चे पकड़ लेते हैं, गर्म रहता है तो पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्यूट है, लाइट जलते रहते हैं, छोटा बच्चा है, उनसे थोड़ा दूर रखिए और गैस के पास मत रखिए, सनलाइट के पास मत रखिए, इसको घर में थोड़ा सा अलग रखिए, इसको स्टीम कीजिए, बच्चों से थोड़ा दूर रखिए। ये बहुत ही ऑप्शन है, मैं कहूंगी इसको डेफिनेट ट्राई करो, बहुत काम की चीज है। इसमें सिर्फ एग नहीं बना सकते हो, मोमोज अगर आप कमेंट करोगे ना, इसमें मैं आमलेट करके दिखा सकती हूँ और मोमोज भी बनाऊंगी, ब्रेड भी, कुछ भी आप कमेंट करोगे ना, मैं डेफिनेटली इसमें बना के आपको दिखाऊंगी। तो मैं सिर्फ आपको एक स्टीम करके, क्योंकि पता चले कैसे कुक करना है, क्या करना है और अच्छे से काम कर रहा है, नहीं बहुत ही अच्छी काम कर रही है यार, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मेरा तो ये काम आने वाली है, मैं कहूंगी आप डेफिनेटली मम्मियों को इसको आपको लेना चाहिए, और जो भी हॉस्टल में है, मेस में है, अलग से बनाना चाहते हो, आराम से इजीली फटाक से आपको देखना, बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा ये हुआ है, जल गया कुछ है, अगर बन गया तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है। बहुत ही ये जो है बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हम बार बार, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक में चलता है तो बार बार देखना क्या जल गया, कुछ हो गया या क्या हुआ, लेकिन ये बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मैं कहूंगी इसको आप डेफिनेटली ट्राई करो। मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगी, मैं तो इसको ट्राई करने वाली हूँ। ये तो एक किचन टूल है जो कि आपके बहुत ही काम आने वाले, सिर्फ एक बना नहीं सकते हो, आप मोमोस हो, कुछ स्टीम करना चाहते हो तो इसमें आराम से करो, फ्राई भी कर सकते हो, ब्रेड भी इसमें कर सकते हो, जल्दी से गर्म भी हो रहा है, टाइम नहीं रह रहा है, जल्दी से फटाक से मेरा बन गया, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मैं कहूंगी आप 100% इसको ट्राई कर सकते हो, क्वालिटी ऑसम है, जरूर ट्राई कीजिए, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां से जाकर ये वाला ट्राई कर सकते हो। और इसका कलर भी आपको पिंक मिलेगा, व्हाइट मिलेगा, येलो मिलेगा, मेरा जो है येलो कलर में, ये भी बहुत ही अच्छी, कलर भी बहुत ही अच्छी है, काम भी बहुत ही अच्छी है, डेफिनेटली इसको ट्राई करो। तो मेरे वीडियो आपको अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताएं मेरे वीडियो आपको कैसी लगी और क्या देखना चाहते हो, डेफिनेटली ट्राई करूंगी, कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।